तो जहाज़ों से गाड़ियों का सफ़र जो उनसे आपके पास इतना नॉलेज ये कैसे आया, मेरी समझ से बाहर रही है। देखो अगर एक चीज़ स्टार्ट होनी है ना तो उसके जो आपको साइंस हैं वो आपको पहले ही मिलना शुरू हो जाएंगे। गाड़ी के बारे में बताएं कितनी रह गई है ये तैयार होने वाली। अभी आज के दरवाजे लेके आए थे जो दूसरे वाले हैं कार्बन फाइबर। नहीं कार्बन फाइबर नहीं, सारे दरवाजे लेके आए, उनको हम काटा पीटी करेंगे जो ऊपर एक्स्ट्रा मेटल वगैरह। कभी भी अल्लाह की रहमत से नौमीद मत होना, इंशाल्लाह वो हर चीज़ होगी जो आप चाह रहे हो, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद लाजमी होगी। सही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो यार आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यार पहले तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ऑफलाइन था, तो खैर उस बात को छोड़ो, आज मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। बेसिकली वो देख के आप लोग भी शायद हैरान हो जाएंगे। मैं खड़ा हूँ इस टाइम रेड लाइन मोटर स्पोर्ट्स के पास, शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो कि मैं रेड लाइन मोटर स्पोर्ट्स के पास खड़ा हूँ तो कोई वजह है। अगर आप ये मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, बेसिकली ये है जी HRV, और ये किसी आम बंदे की गाड़ी नहीं है, बेसिकली ये वो गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा अलमशहूर है, अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज भी ठंडा ठार AC। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हमारे पास आए हैं, बल्कि हमारे पास नहीं हम आए हैं हाजी हमीद के पास, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और उसके साथ ही मैं ज़रा आपको पीछे का दिखाऊं तो यहाँ पर काला जी खड़े हैं जो कि हाजी हमीद ने इसको तैयार करवाया है। अब ये गाड़ी अहमद समा की, लेकिन हाजी साहब ने इसका ठेका लिया हुआ है, वो इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार करवाएंगे। अभी मैंने इससे पूछा था, अभी थोड़ा बहुत काम जो है वो इस गाड़ी का पेंडिंग पे है। ये जो डोर है ना, इनका जो वेट है वो थोड़ा लाइट करवाना है ताकि जो गाड़ी है वो फुल चप्पू स्टाइल से आगे रेस में करे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजी साहब। हाजी हमीद, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? यार मैं इन भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आज मुझे, मैं दूसरी बार मिलूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनसे मिला हूँ। क्या हाल चाल आपका? मैं बिल्कुल ठीक। इस गाड़ी के बारे में बताएं कितनी रह गई है ये तैयार होने वाली। अभी आज के दरवाजे लेके आए थे जो दूसरे वाले हैं कार्बन फाइबर। नहीं कार्बन फाइबर नहीं, सारे दरवाजे लेके आए, उनको हम काटा पीटी करेंगे जो ऊपर एक्स्ट्रा मेटल वगैरह सारा उतार देंगे। उससे यह होगा गाड़ी का वजन काफ़ी कम होएगा। पहले अभी गाड़ी का वजन है 1200 किलो, आपने तो किसी तरह 1000 किलो, 150 तो 1150 पे लेके आना। तो उसके चक्कर में ये चार दरवाजे काट देंगे। इसकी जो पीछे टिकी है वो हमने ओरिजिनल कार्बन फाइबर वाले देख लिया, उससे भी फर्क आएगा, जो गाड़ी का वजन हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा। सामान बाहर से बड़ी देर से आता है, अभी हमने स्टिक्स मंगाए हैं, इसके अलावा और भी 3-4 चीजें उन्होंने आने दिसंबर में, तो वही है। तो बाकी जो छोटे मोटे काम शाम होंगे जब आएंगे तो फिट कर देंगे। मतलब अगर एक गाड़ी तैयार करवानी होती है परफॉर्मेंस बेस पे, तो उसको तैयार करवाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सामान है वो एक ही जगह से नहीं मिलता, तो हमें काफ़ी जगह से वो सामान को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे जो हाजी भाई हैं इनके पास इतना नॉलेज है ना कि वो जो वेला ही खड़ी है ये देख के बता देंगे कि इसमें कौन सा रिम है, कौन सा टायर है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी जो डिग्री है वो तो आपने कौन सी की है भला? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। वो जहाज़ों की होती है ना, तो जहाज़ों से गाड़ियों का सफ़र जो उनसे आपके पास इतना नॉलेज ये कैसे आया, मेरी समझ से बाहर रही है। और जहाज़ों वाले के अंदर भी एक सब्जेक्ट होता है पिस्टन इंजन। अच्छा, वो इंजन सेम इंजन होता है 2 सीटर वाले में जहाज में, और इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है इस बीच में, तो वहाँ से सारा कुछ इधर आ गया। पर तो पुत्र तेरी कौन सी 14 अगस्त अभी तक चाहिए था। माशाल्लाह, बाकी आज भाई इससे मिलके बहुत ही खुशी हुई। इंशाल्लाह अगर फिर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा इनसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जज़ाकअल्लाह। मैं आपसे एक और बात भी करना चाहूँगा कि कभी भी आप भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, क्योंकि वो जो काम करता है वो बेहतरी के लिए करता है। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हो रही तो ज़ाहरी बात है वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कोई ख्वाहिश करते हो और वो पूरी हो जाती है तो उसमें आपके लिए खैर ही खैर है। देखो अगर एक चीज़ स्टार्ट होनी है ना तो उसके जो आपको साइंस हैं वो आपको पहले ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद ये प्रैक्टिकल की है और मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। सही है। कभी भी अल्लाह की रहमत से नौमीद मत होना, इंशाल्लाह वो हर चीज़ होगी जो आप चाह रहे हो, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद लाजमी होगी। सही है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वाला मेरा काम है और ये हो जाए, ये वाली मेरी ख्वाहिश है ये पूरी हो जाए, और वो होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। सही है। अब आपकी जो ख्वाहिश है और उसके जो दरमियान फासला है ना वो आपने ख़त्म करना है। अल्लाह और आपकी जो ख्वाहिश के दरमियान फासला है आपने उसको ख़त्म करना है, फिर ही आपकी जाके वो ख्वाहिश पूरी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, अब हम क्या करें, तो फिर वो अल्लाह से मांगना ही छोड़ देती है। नहीं,
भाई चंद तुम तब तक मांगो जब तक तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। अब मैं बताऊँ क्या, मैं इधर लाहौर हूँ तो मैंने ना अपने दोस्त को बोला हम उधर इंस्टीट्यूट में से, कि मैंने उसको वहाँ पर बोला कि मैंने हाजी हमीद से मिलना है, सही है। और अल्लाह के फजल से जब मैं रेड लाइन मोटर स्पोर्ट्स के पास आया तो अल्लाह के फजल से हाजी हमीद अंदर वर्कशॉप पे आए हुए थे HRV पे। अब देखो मैंने वहाँ पर दिल लगा के कहा था, सही है, मैंने अल्लाह को कहा या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है ये पूरी कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरी हो गई। दूसरी बात, अब हम लोग आ रहे थे उधर से खाना खा के, सही है, तो मैंने दोस्त को बोला कि हाजी हमीद आया हुआ है, सही है, मैंने मिलना भी है। वो कहता ठीक है। फिर वो मुझे पता क्या कहता, वो मुझे कहता है कि अब उमर इस तरह तो होगा नहीं कि तू ये गली मोड़े और सामने हाजी हमीद खड़ा हो, वो बस एक ही बार होता है अगर होना होता है तो। तो भाई जान मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, जैसे हम गली मोड़े ना तो हाजी हमीद और जो उसका दोस्त था वो अल्लाह के फजल से उसी रोड पे जा रहे थे। मेरा जो दोस्त था ना बिलाल, उसका जो मुंह था वो बंद का बंद रह गया। मतलब अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि अल्लाह पर अपना यकीन रखना सही है, और आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो इस तरह ज़रूर पूरी होंगी। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगा, और इंशाल्लाह अब मैं कोई भी डिले नहीं करूँगा, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग इंशाल्लाह और रिव्यूज़ वगैरह लेके आऊँगा। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह।